नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड की वादियों का लुफ्त उठा रहे हैं। उत्तराखंड पहुंचने पर जहां अभिनेता ने कुछ दिन पहले केदारनाथ के दर्शन किए, वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आज सुबह पहले अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम पहुंचे, फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आपको बता दें, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की होड़ लग गई। वहीं हेलीपैड पर अक्षय कुमार का स्वागत किया गया। इसके साथ ही इससे पहले आज सुबह आज तड़के अभिनेता अक्षय कुमार अल्मोड़ा में स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर जागेश्वर धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अभिनेता अक्षय कुमार ने केदारनाथ धाम पहुंचकर गर्भगृह में पूजा अर्चना की थी। आपको बता दें, वो इन दिनों फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में है। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार के जागेश्वर धाम पहुंचने की खबर जैसे ही लोगों को लगी, देखते ही देखते जागेश्वर मंदिर में उनको देखने और फोटो खिंचवाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि भगवान शिव विश्वंभर नाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग देवभूमि हिमालय के जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। यहां 125 देवी देवताओं का समूह स्थापित है। हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग सावन के महीने में जागेश्वर धाम पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को दूध जल चढ़ाते हैं और साथ ही पूजा अर्चना कर मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि जागेश्वर धाम में विराजमान भगवान शिव मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।